मी 11X, पोको एप 3 और रेडमी के 40 के लिए जैसे कि प्रोजेक्ट एलेक्जर 3.8 का न्यू अपडेट आया हुआ है और इस अपडेट में हमें काफ़ी चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि पिछले अपडेट में 3.7 के अंदर कुछ चीज़ें रिमूव हो गई थी, अभी इस अपडेट में वापस वो हमें फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड हुआ है जिनके बारे में बताऊंगा। फिलहाल 3.7 पिछले अपडेट का रिव्यू आई बटन पर मिलेगा और इस अपडेट में जो भी चेंजेस हों इस वीडियो में आपको बताने वाला, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। प्रोजेक्ट एलेक्जर का ये 3.8 का ऑफिशियल एंड्रॉइड 13 बिल्ड है। सिक्योरिटी पैच अपडेटेड है 5 मई 2023 की अब मिलेगी और कर्नल लेकिन सेम रहेगा, कर्नल चेंज नहीं हुआ है ना ही अपडेट हुआ है, नो कर्नल सेम है, सेलेनेक्स स्टेटस इन्फोर्सिंग है और इसके अंदर यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, एग्जैक्ट बिल्कुल सेम सेटिंग्स के साथ आता है। कनेक्टेड डिवाइसेस में भी कास्ट वर्किंग है, यहाँ पे भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे हम जाते हैं लॉक स्क्रीन में, तो ये भी पूरा सेम है एंड बाहर भी देखते हैं तो यहाँ पे भी सेम मिल जाता है, बट यहाँ पे एक चेंज हुआ है कि यहाँ पे पहले नीचे क्या था और रोटेशन तो सेम है, बट यहाँ पे नीचे आते हो तो यहाँ पे एंटी फ्लिकर मोड अब मिलेगा जो कि डीसी डिमिंग को यूज़ करता है, बट पहले यहाँ पे डीसी डिमिंग के नाम से डीसी डिमिंग जो है देखने को मिला करता था, अब एंटी फ्लिकर मोड से मिलेगा, ये एक चेंज हुआ है। एसेंस में इसके क्या हुआ है कि डार्क थीम का जो सेक्शन है पूरा सेम रहेगा, पिछले अपडेट में ये कस्टम लेआउट वाला ऐड हुआ था बट इस अपडेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। वहीं लॉक्सिंग के अंदर में आपको एज लाइटिंग न्यू देखने को मिलेगा जो कुछ अपडेट पहले था उसे, बट वापस अब ऐड हुआ है एंड फिर यहाँ पे नीचे कहीं पे कोई चेंज नहीं हुआ इस अपडेट के अंदर। लेकिन इसके स्टेटस बार के अंदर में कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि रीटीकर यहाँ पे वापस ऐड हो चुका है जिससे आपका रीडिज़ाइन हो जाता है, नोटिफिकेशन स्लिम मिलता है एंड क्लॉक की सेटिंग्स वापस ऐड हो चुकी है तो ये आपको मिल जाएगी। और नीचे में यहाँ पे कहीं पे हालांकि यहाँ पे चेंज नहीं हुआ बट यहाँ पे लास्ट में बैटरी जो स्टाइल है वापस ऐड हो चुका है, ये भी पिछले अपडेट में रिमूव हुआ था तो यहाँ पे वापस ऐड हो चुका और बैटरी स्टाइल काफ़ी मिलते हैं। और क्विक सेटिंग्स के अंदर में यहाँ पे क्यूएस कस्टमाइजेशन में काफ़ी चेंजेस आए थे, क्यूएस स्टाइल पहले नॉर्मल सा मिला करता था 2-3, लेकिन अभी ये बिल्कुल जैसे दूसरी रोम्स मिला करता है उसी तरीके से साइबर पंक वाला स्टाइल हो गया, कलर पॉपअप हो गया, ये सब आपको मिलता है। एंड ब्राइटनेस स्लाइडर स्टाइल में पहले आउटलाइन तक था बट यहाँ पे फील्ड वाला और थिन वाला लास्ट के दो जो हैं न्यू दिए गए यहाँ पे, तो ये लास्ट के दोनों ही ऑप्शन हमें ब्राइटनेस स्लाइडर का न्यू मिल जाता था। यहाँ पे फील्ड वाले ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ, मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। एंड क्यूएस हेडर इमेज ये भी पूरी तरीके से न्यू ऐड हुआ है इसके अंदर में, तो यहाँ पे भी 11 इमेज आपको हेडर की मिल जाती हैं। और क्यूएस जो यहाँ पे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी है न्यू है और फिर नीचे यहाँ पे कहीं पे चेंज नहीं है। और जेस्चर के अंदर में यहाँ पे स्वाइप्ड स्क्रीनशॉट सेम है बट यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन के अंदर में बैक जेस्चर हैप्टिक न्यू ऐड हुआ है, पहले भी बाय डिफॉल्ट इनेबल था बस सेटिंग्स रिमूव थी, बट यहाँ पे बैक जेस्चर एनिमेशन भी आपको अब न्यू मिल जाता, तो ऑप्शन यहाँ पे चेंज हुए हैं और कोई चेंज यहाँ पे फिर नहीं है और बाकी की सेटिंग्स आपको वही पहले वाली मिलेगी। तो ये कुछ चेंजेस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। मिसलेनियस पूरा सेम है, मिसलेनियस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, गेम जो सेटिंग्स है ये पूरा आपका गेम स्पेस सेम है। और वॉलपेपर स्टाइल के अंदर सिर्फ एक चेंज हुआ है कि यहाँ पे जो वॉलपेपर अभी सेट है इसके अंदर में ये इनबिल्ट इसके साथ में ही आता है, ये एक चेंज हुआ है, बाकी और कोई चेंज नहीं है। और बैटरी स्टाइल के अंदर यहाँ पे बैटरी जस्ट सेम है बट यहाँ पे बैटरी परसेंटेज पहले था पिछले अपडेट में, क्योंकि बैटरी सेटिंग रिमूव थी तो यहाँ से उसको अब रिमूव कर दिया गया, अब जरूरत नहीं है उसकी तो रिमूव हुआ है, बाकी और कोई चेंज सेटिंग में नहीं है। एंड थर्मल प्रोफाइल ये सब आपका पहले जैसे रहेगा। और बैटरी बैकअप के बारे में हम आगे बात करेंगे कि बैटरी बैकअप कैसी है, बैटरी चार्जिंग स्पीड ये सब चीज़ों के बारे में। एंड नीचे फिर आता है साउंड एंड वाइब्रेशन, बट यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं कि सभी जगह जितनी भी जगह आपको ये सीक बार मिलते हैं स्लाइडर सभी जो है पहले पतले वाले थे, अब आपको यहाँ पे जो है बिल्कुल इस तरीके के मोटे थोड़े से देखने को मिलेंगे। और साथ साथ ये टॉगल जो स्विच टाइल है ये भी पहले इस तरीके से नहीं था, साइड में स्क्रीनशॉट दे दूंगा, पहले सभी जगह अलग था, अब ये भी चेंज हुआ है, रीडिज़ाइन हुआ है, इनमें भी चेंज हुआ है, बाकी फिर और कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ। मीडिया आपका सब लेटेस्ट रहेगा मीडिया लेआउट, और बाकी की सेटिंग्स भी बिल्कुल सेम ही रहेगी, डायरेक्ट साउंड ये सब काम कर रहा है, यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस ये रीडिज़ाइन दिया गया है सीक बार और स्टाइल बटन हमारा। एंड यहाँ पे असिस्टेंट वर्किंग है, गेम स्पेस पूरा सेम है और लॉन्चर वही लॉन्चर 3 रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है कहीं पे, तो ये भी पूरा आपका सेम रहेगा 3.7 में जैसा था उसी तरीके से सारी चीज़ें रहेंगी। एंड सिक्योरिटी के अंदर एक चीज़ रिमूव था ऐप लॉक, जो वापस ऐड हो चुका है। और यहाँ पे अगर बात करें इसके ऐप लॉक के बारे में तो इसके अंदर बिल्कुल सिस्टम एप्लीकेशन सपोर्टेड है और इसमें आप आराम से एप्लीकेशन को भी हाइड कर पाओगे। ऑटो लॉक टाइम आउट 5 सेकंड से 30 मिनट तक का मिलता है, रोम इनक्रिप्टेड है, मैं डिक्रिप्ट करके यूज़ कर रहा हूँ, बाकी सिक्योरिटी सेटिंग्स सेम है और जो फिंगरप्रिंट है काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और अगर बात करते हैं इसके फेस अनलॉक के बारे में तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ, ये भी बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके अंदर काम कर रहा है, इसको लेकर के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका यूज़ भी आप आराम से कर पाओगे। नीचे फिर यहाँ पर सिस्टम है जिसमें यहाँ पर भी हालांकि कोई चेंज हुआ नहीं है, जेस्चर का सेक्शन सेम है,
और एलेक्जर अपडेटर आपको सेम मिल जाता है। उसे हाइड नोच अभी भी इसके अंदर हमें नहीं मिलती है, तो हाइड नोच जो है अभी भी मिसिंग है। और यहाँ पे अब बात करें QS पैनल के बारे में, तो एनिमेशन स्मूथ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्लूटूथ टाइल पॉपअप मिलता है, बट इंटरनेट टाइल पर अभी हॉटस्पॉट नहीं मिलता। एडिट में यहाँ पे सिर्फ एक दो चेंज हुआ है, एक तो स्क्रीन सेवर वापस ऐड हुआ है और नीचे जैसे कि DC डिमिंग था तो उसकी जगह एंटी फ्लिकर मोड देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग सेम है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में कोई भी ऐसा UI लग हालांकि देखने को मिलता नहीं है, बिल्कुल स्मूथ रहता है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से कोई भी आपके एनिमेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम पैनल में एक चेंज हुआ है, 4 पैनल का मिलता है, यानी कि रिंगर भी अब इसके अंदर मिलता है। रिंगटोन का भी वॉल्यूम आप कंट्रोल कर पाओगे यहीं से, ये भी दिया हुआ है। और ऐप ओपनिंग बिल्कुल स्मूथ है, ऐप ओपनिंग में कोई चेंज नहीं है, ना ही कोई एनिमेशन लैग देखने को मिलता है, तो ये पक्का स्मूथ रहेगा। और कैमरे की बात करें तो कैमरा बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक चेंज हुआ कि कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर पहले फ्रंट कैमरे में ब्लर रहता था जिसपे HDR इनेबल करने के बाद फिक्स होता था, बट वो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर फिक्स किया गया। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही आपका बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है सारी चीज़ें, अब कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पर जो कैमरा है, अब यहाँ पे अपर्चर का भी मिलता है, पहले नहीं था लेकिन अभी अपर्चर का भी कैमरा साथ में मिल रहा है, पहले सिर्फ MIUI वाला लाइका वाला था। एंड बाकी GCam आप मैनुअली इंस्टॉल कर लेना, अच्छे से काम कर रहा है, इसको लेकर के ऐसी कोई दिक्कत हालांकि नहीं है। और Dolby Atmos बिल्कुल वर्किंग है, वाइड बैंड 11 का सपोर्ट ये भी रहने वाला है, इसको लेकर के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वी म्यूज़िक जैसे कि बाय डिफॉल्ट इसके साथ में आता है। एंड यहाँ पे गूगल फोटो इसके अंदर कोई भी गैलरी इसके अंदर प्री इंस्टॉल नहीं आती है, गूगल फोटो इंस्टॉल कर लेना। अनलिमिटेड स्टोरेज बिल्कुल सपोर्टेड है, इसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हो अनलिमिटेड स्टोरेज बिल्कुल यहाँ पे सपोर्टेड है, इसको लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं मिलती है। और बात करें गूगल फोटो प्ले स्टोर के बारे में, तो प्ले स्टोर बिल्कुल सर्टिफाइड आता है, यानी कि जो सेफ्टी नेट इसके अंदर पास आती है, तो बैंकिंग ऐप आप आराम से विदाउट रूट भी यूज़ कर पाओगे, इसके अंदर कोई दिक्कत उसको लेकर नहीं है। और कॉलिंग की अगर बात करते हैं, तो कॉलिंग के अंदर में हमारा कैरियर वीडियो कॉल का बग रहेगा, वाईफाई कॉलिंग काम कर रहा है, सेटिंग्स इनेबल कर लेना। प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये भी बिल्कुल वर्किंग है। हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग की बात करें तो ज़्यादातर मैं अलर्ट कर देता, बट इसके अंदर अलर्ट नहीं कर रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग में कोई अलर्ट नहीं हो रहा गूगल डायलर के साथ में। और ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ करते हो तो मीडिया कॉलिंग दोनों में यूज़ कर पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दोनों में काम कर रहा अच्छे से। एंड यहाँ पे बैटरी की बात करें तो 2 आवर 80% ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 93% मिला है, पिछले में 92 था, यानी कि बैटरी में 1% का फर्क है, जो कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। पिछले अपडेट जैसे ही बैटरी बैकअप आपको मिलने वाली है। और इसके अंदर चार्जिंग की बात करें तो 69% से 100% होने में करीब 31% लास्ट के होने में 24 मिनट यहाँ पे लगा है। तो इस तरीके का जो चार्जिंग है आपको देखने को इसके अंदर मिलेगा। और नाइट ड्रेनिंग की बात करें तो 98% रात में था और मॉर्निंग में 97% देखने को मिला, यानी कि 1% सिर्फ यहाँ पे ड्रेनिंग देखने को मुझे मिला इसके अंदर में। और CPU Geekbench Antutu स्कोर की बात करें तो 9,15,000 मिला है, पिछले में 6,92,000 था, क्योंकि अब जो है यहाँ पे Antutu Benchmark ऐप जो है 10 वर्जन आ गया, इसका लेटेस्ट है। और जो इसका 3D Benchmark जो टेस्ट करता है वो लाइट वाले पे टेस्ट करता है, नॉर्मल वाले नहीं, वो लाइट वाले पे करता है, इसलिए ये भी आपका बूस्ट अप पहले से मिलेगा और लेटेस्ट पे अब जो है टेस्ट करने वाला हूँ। CPU थ्रो रेट जो है इस बार हमें 89% मिला और इसका जो जीप स्कोर है मैक्स पे 2,48,000 है, एवरेज स्कोर 2,26,000 है। पिछला CPU थ्रो रेट 92% था, जीप स्कोर मैक्स पिछले का 2,45,000 था, एवरेज 2,34,000 था। और यहाँ पे Geekbench स्कोर सिंगल में 1,163 आया, मल्टी के अंदर 3,302 है, पिछले में सिंगल स्कोर 1,187 था, मल्टी के अंदर 3,348 था। तो ये तो हमारे जो है सिमिलर से देखने को मिल जा रहे हैं। और गेम स्पेस ये भी सेम रहेगा, गेम स्पेस में भी ऐसा कोई चेंज हुआ नहीं है, गेम स्पेस पूरा सेम ही रहेगा, ग्राफिक भी हमें सेम मिलता है, जैसे कि BGMI अब आ चुका है, स्मूथ पे एक्सट्रीम रहेगा। बाकी आपका अल्ट्रा HD तक अनलॉक मिलता है, अभी ग्राफिक डाउनलोड नहीं, बट अल्ट्रा HD तक अनलॉक मिल जाएगा, स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे हम खेलेंगे। और गेमिंग की बात करो तो गेमिंग में पहले भी आपका इसका गेमिंग अच्छा ही था, ख़राब नहीं आता था, और अभी भी आपको गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा ही मिलता है, तो गेमिंग के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसके अंदर में। गेमिंग परफॉर्मेंस अभी भी आपको इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कर्नल के साथ में भी अच्छी मिल जाती है। एनिमेशन अच्छा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बैटरी भी सिमिलर सी रहेगी, बैटरी में ज़्यादा कुछ खास पर नहीं पड़ा है। और चार्जिंग कैसा वो भी आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, ट्रेनिंग कैसा रहने वाला है वो भी जैसा कि बताया हूँ, बट ज़्यादातर आपके यहाँ पे जो है पिछला रीबेस्ट था, तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है रिमूव भी हुई थी, बट अभी वो चीज़ें आपकी यहाँ पे इस अपडेट के अंदर वापस ऐड कर दी गई हैं और कुछ चेंजेस न्यू जो है वो आपको मिलते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि हमें यहाँ पे 3.7 के बाद 3.8 में देखने को मिलता है। तो यही था आज के इस वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।